दोस्तों आज 11 अगस्त को सनी देओल पाजी की मोस्ट वेटेड फिल्म गदर 2 सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई है, जो कि दोस्तों पब्लिक की तरफ से इस मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यू भर आ रहे हैं और उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मूवी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं गदर 2 के खूंखार विलन मनीष वाधवा के बारे में। आपको बता दें कि हर कोई जानना चाहता है कि गदर 2 में मनीष वाधवा का क्या नाम होने वाला है और दोस्तों इनका कैसा किरदार रहने वाला है। तो आपको बता दें कि मनीष वाधवा ने बीती रात को एक तस्वीर शेयर की जिसमें कि वे पाकिस्तानी आर्मी जनरल के किरदार में नजर आ रहे और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खूंखार लग रहे हैं। और वहीं आपको बता दें गदर 2 मूवी में उनका हामिद इकबाल नाम होने वाला। जी हाँ दोस्तों, हामिद इकबाल गदर 2 में इनका नाम रहने वाला, जो कि दोस्तों काफ़ी खतरनाक है। और दोस्तों सनी देओल यानी तारा सिंह से भिड़ते हुए नजर आएंगे हामिद इकबाल। अब देखना होगा कि कैसी भिड़ंत होती है और दोस्तों ये मूवी तो फाड़ के रख देगी। जी हाँ दोस्तों, बॉक्स ऑफिस फटने वाला और ये मूवी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी होना तय है। और वहीं आपको बता दें गदर 2 की एडवांस बुकिंग भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुई है, जो कि दोस्तों उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख देगी और पहले ही दिन कम से कम 50 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, 50 करोड़ रुपए अपने पहले ही दिन ये ओपनिंग डे पर कमा सकते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा बम्पर कमाई है और ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना भूलिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।